क्यों है? अच्छा जी, मुझे आप फैजान चौधरी को देखते हैं, पहले भी कई स्क्रीन पर आप मुझे देखते आ रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के तवसत से कि कहा यह जा रहा है कि हॉकी का जो नेशनल स्टेडियम है लाहौर में, उसे ख़राब कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से। तो ये सरासर गलत है। जिस तरह के आज सुबह भी एक बयान सामने आ गया था कि ये जो आस्ट्रो ट्रफ है ये सरगोधा स्टेडियम में भेजी जानी थी, और ये पहले ही पिछले साल ही फैसला हो चुका था कि ये वाली जो ऑस्ट्रो ट्रफ है इसको चेंज किया जाएगा और यहाँ पर एक नई ऑस्ट्रो ट्रफ है जिसका बजट में जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है तो वो लगाई जाएगी। अब बस तो थोड़ा बहुत जो मसला मुझे लगता है कि वो ये है कि शायद इसको नई ऑस्ट्रो ट्रफ यहाँ लगने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो अगर पीटीआई ने इसको उखाड़ने में इतनी जल्दी की है तो मैं बस ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो जितना जल्दी हो सके इसको दोबारा रीन्यू भी करें ताकि जो खिलाड़ी हैं उनका हर्ज ना हो। वरना आपको पता ही है हमारे यहाँ पर जो तनकीद करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बग़ैर तस्दीक किए वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि हमने ये नेशनल स्टेडियम का, हॉकी का जो नेशनल स्टेडियम है उसको ख़राब कर दिया, तो वो सरासर गलत है। तो बस यही आपको एक तो बताना है, और दूसरा अगर जलसे के हवाले से बात कीजिए तो यहाँ पर जो पीटीए कारकुन या पीटीए रहनुमा है उनका ये कहना है कि ये जलसा नहीं है, ये हकीकी आज़ादी का जश्न है जो कि हम 13 अगस्त की रात को मनाने जा रहे हैं। तो लिहाजा एक तो इसको जलसा ना कहें, दूसरा ये तस्दीक किए बगैर तनकीद ना करें कि जी पीटीआई ने हॉकी नेशनल स्टेडियम जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही फैसला था कि पुरानी ऑस्ट्रो ट्रफ हटा के नहीं लगाई जाएगी। बस ये है कि उन्होंने सोचा कि अब हमने यहाँ पर करना जो है जश्न मनाना है तो इसको उखाड़ देंगे, नहीं इसकी जगह पर लग जाएगी। बस कोशिश ये करनी चाहिए जो भी मुतलका इदारे हैं उनको कि जल्द अज़ जल्द जो है वो नई ऑस्ट्रो ट्रफ लगाएँ ताकि डिले ना हो काम में। बहुत शुक्रिया।